ये देखें कमाल का प्रेशर। इसको जरा करते हैं दरख्त को, ये देखें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है आपके लिए। आपने शायद मेरे चैनल पे आज से साल डेढ़ साल पहले एक ब्लॉग देखा हो, मैंने अपनी एक जो गिराज की एसेसरीज़ हैं उसका एक ब्लॉग अपलोड किया था कि मेरे पास क्या क्या सामान है गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए, मतलब जनरल क्लीनिंग के लिए। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था मेरे पास कार्चर का प्रेशर वॉशर था, तो वो मेड इन जर्मनी था। वो तकरीबन दो ढाई साल मेरे पास बड़ा अच्छा चला। तो अभी जो है उसकी जो है ना मोटर पिछले तकरीबन तीन चार महीने से ख़राब है। मैंने एक बार रिपेयर करवाया, बड़ी मुश्किल डेढ़ दो माह में रिपेयर हुआ और वो महीना भी नहीं चला फिर ख़राब हो गया। तो मैंने अभी जो है जाके एक नया प्रेशर वॉशर लिया। तो बेसिकली ये वीडियो उस प्रेशर वॉशर की अनबॉक्सिंग है और देखते हैं एक नया ब्रांड है उसका प्रेशर वॉशर है, देखते हैं क्या क्वालिटी है, कैसा प्रेशर वॉशर है और प्रेशर वॉशर का जो वहाँ पर जो प्रेशर मेंशन है 110 बार बॉक्स के ऊपर आया, वो प्रेशर हमें मिलता है नहीं मिलता। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आइए प्रेशर वॉशर को अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। ये एक कल्टस गाड़ी का काम चल रहा है, ये उसका ना एक इशारा मैंने ना खोल के बड़ा अंदर से मिट्टी डस्ट वाला था, मैंने इसको वॉश किया ज़रा, उसका धूप में रखना ताकि इसमें ना नमी ना आए। इसका प्रेशर है 90 बार। बॉक्स का जो लुक है वो तो बहुत अच्छी है और वाकई लग रहा है कि कोई मतलब ब्रांडेड है, कोई अच्छी क्वालिटी का है। मैं बेसिकली गया था ब्रांत रोड पे, तो ब्रांत रोड पे बेहिसाब बेशुमार मतलब ये कंडीशन है, ये हालत है कि अगर कोई खोखे वाला भी बैठा है ना, छोटी मोटी दुकान वाला भी, वो भी चाइना से मंगा रहा है, अपने नाम से बेच रहा है, तो इतने वहाँ पड़े हैं। तो उसका मतलब 11-12 हज़ार से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर अच्छी क्वालिटी का महंगा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बॉक्स ओपन हो गया जी, माशाल्लाह। यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है बताता चलूँ कि जो पहले प्रेशर वॉशर था मेरे पास कार्चर का, वो आर्मेचर वाला प्रेशर वॉशर होता है। तो ये जो प्रेशर वॉशर है ये इंडक्शन मोटर वाला है। तो ये बेसिकली जिस तरह घर में जो मोटरें लगती है ना पानी सक करने वाली, टैंकी भरने वाली, ये इस टाइप की मोटर है। इसका फ़ायदा ये है कि ये पानी मतलब सक करती है। तो अगर आप इसको बाल्टी में, बकेट में भी आप पाइप डाल के इस मोटर को आप जो है ना वो प्रेशर वॉशर को यूज़ कर सकते हैं। वो वाला जो प्रेशर वॉशर था उसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आपको जो है उसको रनिंग वाटर देना होता है। ये जी अच्छा, इसकी मैनुअल गाइड आ गई। ये जी इसका सबसे मज़ेदार चीज़, इसका ये पाइप है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस पाइप की लेंथ जो है ना तकरीबन 20 फिट के आसपास है। इसके साथ ये इसमें एक और छोटा पाइप दिया हुआ है। ये पाइप बेसिकली दिया हुआ है कि अगर आपने इसको जो है ना बकेट में यूज़ करना है तो उसके लिए छोटा पाइप है। पैकेट है, पैकेट के अंदर वाज़ तौर पर ये फ़िल्टर है बकेट में यूज़ करने के लिए। ये इसका एक जो है ना जहाँ से आपने पानी इसको देना, इनलेट देना है, वहाँ पे ये फ़िल्टर लगता है, वाटर फिल्टर है। और ये इसका जो ग्रीन रंग का है ये इसका जो कनेक्टर है, और साथ ही आगे इसकी गन के आगे जो लगता है ये वो चीज़ है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इसकी गन है, बड़ी खूबसूरत लुक है गन की, अच्छी गन है, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। प्राइस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये आगे हमारा पंप वायर, ठीक है। मैं ज़रा इसका शॉपर उतार लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अरवा, ये शॉपर खींचो, हाँ इसका शॉपर खींच, बड़े शॉपर खींच लो, शाबाश, ठीक है। ये जी इसकी लुक्स हैं कुछ ऐसे, और काफ़ी वज़नी है। अभी ये सारा असेंबल हो गया, यहाँ पर मैंने इसका फ़िल्टर लगा दिया, पीछे इसका जो है ये होज कनेक्टर लगा दिया पाइप, और पाइप के साथ ये आप देखिए ये इसका फ़िल्टर लग गया, वाटर फिल्टर। और ये यहाँ से इसका जो है यहाँ से इसकी आउटपुट है, ये गन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, गन के आगे इसका जो है ना वो लगा दी, जिससे प्रेशर इसका बनता है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मोटर ने जो है ऐसा पानी सक करना शुरू कर दिया, और मोटर का साउंड देखें बहुत नॉर्मल सा साउंड है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। मैंने जैसे ये ट्रिगर दबाया तो पानी ज़्यादा आने लगे, मैं ज़रा इसका एक मिनट उतार लूँ। आगे से इसका मैंने जो है वो उतार दी है अभी, जो प्रेशर बनाता है, क्योंकि इसने एयर, इसके अंदर एयर होती है तो एयर निकल जाएगी, फिर लगाऊंगा। एयर निकली है ना इसकी, अभी देखें प्रॉपर मोटर जो है पानी खींच रही है,
और प्रेशर देख रहे हैं अभी बगैर आगे लगाए उसके कितना प्रेशर है। अब इसको ऑन करते हैं। ओए होए ज़बरदस्त यार, ये देखें कमाल का प्रेशर है। और सबसे मज़े की बात कि मोटर का साउंड ही नहीं है, बिल्कुल कम साउंड वाली मोटर है। बच्चों के लिए प्यास क्या पानी की जो है वो आ रही है, मज़ेदार फुहार। और मौसम है गर्मी का, भागो यहाँ से, भाग जा यार। बहुत आला कमाल का प्रेशर वॉशर है। और थोड़ा सा भी हम इसको ज़रा करते हैं दरख्त को, ये देखें थोड़ा सा इनमें भी ताज़गी शाजगी आ जाए, दरख्तों में पानी छानी लग जाए इनको। अच्छा, इसमें एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने जो है ना ये इससे जो ये पानी सक कर रहा है ना बकेट से, ये आपको अंदाज़ा होगा कि भाई आपका कितना पानी का इस्तेमाल है। पानी का इस्तेमाल और हो जाएगा, काम और काम हो जाएगा। इधर आओ बच्चों, ये देखो, आओ नीचे, आओ नीचे, मज़ा आ रहा है कि नहीं? होप यू गाइस आपको ये जो प्रेशर वॉशर का ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। और भाई जो प्रेशर वॉशर का साउंड है, जो चीज़ है इस्तेमाल में, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका मोटर का साउंड बड़ा कम, बहुत कम है, ठीक है, घर की यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह इसको जब डेली यूज़ करूँगा तो मैं आपको उसमें भी इंशाल्लाह इसका बताऊँगा कि ये प्रेशर वॉशर जो है डेली यूजेज में कैसा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना अपने खबरों का भरपूर ख्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।